तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं 2006 में आई एक अंडररेटेड मूवी जिसका नाम है ब्रोकन। इस मूवी में काफी ज्यादा खून खराबा दिखाया गया है और अगर आप लोग कमजोर दिल के हो तो इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर दो। इस मूवी को IMDB पर 5.4 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लेडी को देखते हैं जो कि एक सुनसान जंगल में एक बॉक्स के अंदर बंद है। वो बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश करती है जिस दौरान उसके नाखून तक उखड़ जाते हैं। आखिरकार बॉक्स खुल जाता है और वो उस बॉक्स से निकलकर जंगल में भागने लगती है। उसके पेट से भी काफी खून बह रहा था, पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे। इससे पहले कि वो ज्यादा दूर जा पाती वहां पर एक आदमी आता है जो कि उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक पेड़ के साथ बंधा पाती है। रस्सी उसके गले में बंधी थी, पैरों के नीचे हल्का सा सपोर्ट था, यानी कि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो गला घुटकर उसकी मौत हो जाएगी। अगर उसको वहां से निकलना था तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था। उसने अपने पेट में लगे टांकों को खोलना शुरू किया और पेट के अंदर हाथ डाला जहां एक ब्लेड छुपा हुआ था। उसने उस ब्लेड को अपने पेट से बाहर निकाला और रस्सी काटनी शुरू की। जैसे ही रस्सी कटी वो एकदम से नीचे गिराई, उसके पेट के काफी अंग भी बाहर निकल आए थे। तभी वहां पर वही आदमी आ जाता है जो कि उस औरत को कहता है कि क्या तुम कंटिन्यू करना चाहोगी। वो औरत दर्द से चिल्ला रही थी और उसका कहना सिर्फ यही था कि अब वो ये सब और नहीं कर सकती। इसके बाद उसने खुद ही गन का ट्रिगर दबाकर खुद की जान ले ली। इससे हमें ये समझ आता है कि वो आदमी उस औरत के साथ या तो कोई गेम खेल रहा था या फिर उसका किसी तरह का टेस्ट ले रहा था। उस औरत को आगे नहीं बढ़ना था इसलिए उसने खुद की जान ले ली। अब हम 2 हफ्ते आगे आ जाते हैं जहां हम एक सिंगल मदर होप को देखते हैं। होप किसी लड़के के साथ डेट पर आई है और घर पर इसकी बेटी अकेली है जहां इसकी बहन इसकी बेटी की देखभाल कर रही है। जब ये घर पहुंची तो इसकी बहन वहां से चली गई और ये जाती अपनी बेटी जेनिफर के पास जो कि सो चुकी थी। इसके बाद क्या कांड हुआ वो हमें दिखाया ही नहीं जाता और सीन शिफ्ट होता है और हम होप को उसी बॉक्स में बंद देखते हैं। उसके भी शरीर पे काफी चोटें लगी हुई थी और पेट से काफी खून बह रहा था। पूरा दिन वो उसी बॉक्स में तड़पती रही लेकिन वो उस बॉक्स से बाहर नहीं निकल पाई। अगले दिन किलर वहां आता है और वो सोचता है कि ये नल्ली तो खुद कभी भी इस बॉक्स से बाहर निकल ही नहीं पाएगी, तो वो होप को खुद ही बॉक्स से बाहर निकालता है। बॉक्स से बाहर निकलते ही होप ने देखा उसके पेट पे टांके लगे हुए हैं, लेकिन उसके मन में सबसे पहले अपनी बेटी जेनिफर का ख्याल आता है। जैसे कि मैंने कहा था किलर इनके साथ कोई गेम खेलता है, वैसे ही किलर ने होप को जंगल में भागने दिया। जंगल में भागते भागते होप को जेनिफर का टैटी मिला जिस पर खून लगा हुआ था। उस टैडी को उठाकर वो रोने लगी। तभी वहां पर किलर आ जाता है जो कि होप को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। जब उसकी आंख खुली तो उसने भी खुद को एक पेड़ के साथ बंधा पाया। उसके सामने वाले पेड़ पर एक लड़की की लाश टंगी हुई थी जो कि टाइम रहते वहां से निकल नहीं पाई। तभी किलर वहां आकर होप को एक नुकीली लकड़ी देता है जिससे कि वो अपने टांके निकाल पाए। सामने टंगी लड़की की लाश देखकर होप समझ चुकी थी कि अब उसे क्या करना है और जेनिफर के लिए उसे ये करना ही था। उसने भी अपने टांके निकाले और अपने अंदर से उस ब्लेड को निकाल कर रस्सी काटनी शुरू की। जैसे ही रस्सी कटी वो नीचे गिर पड़ी। तभी किलर वहां आकर होप से भी वही सवाल पूछता है कि क्या तुम कंटिन्यू करना चाहोगी। हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि कोई और होता तो वो ना कर देता, लेकिन होप को जेनिफर के पास जाना था तो वो हाँ कर देती है। किलर ने होप के जख्म साफ किए और उसके टांके फिर से लगा दिए और उसको घसीटते हुए लेकर गया अपने अड्डे पर। जब जेनिफर की आंख खुली तो उसने खुद को एक चैन के साथ बंधा पाया। किलर ने उसे पीने के लिए पानी दिया तो उसने सारा पानी पी लिया क्योंकि पिछले 5 दिनों से होप ने कुछ भी खाया पिया नहीं था। होप के पास जेनिफर का टैडी था तो वो किलर से जेनिफर के बारे में पूछने लगती है, लेकिन किलर उसको कोई भी जवाब नहीं देता। किलर खाना बनाने लगता है और होप को इसी का इंतजार था, लेकिन किलर खुद खाता है मीट और होप को देता है आलू। वो फिर से किलर से जेनिफर के बारे में पूछती है तो किलर इस बार जवाब
देता है कि अपनी बेटी को भूल जा, तेरी कोई भी बेटी नहीं है, अब मैं ही तेरा परिवार हूँ। होप उसके सामने हाथ पैर जोड़ने लगी और यहाँ से जाने की भीख मांगने लगी, लेकिन शायद किलर को ये पसंद नहीं आता, तो वो होप को मारने पीटने लगता है। होप को पीटने के बाद वो टेंट में जाकर सो गया। अगली सुबह उसने गंदे बर्तन होप के सामने लाकर फेंक दिए और उसे कहा, जब तक मैं वापस आऊँ इन्हें धोकर साफ कर। होप ने उसकी बातें मानी और लग गई बर्तन साफ करने, और साथ ही में वो खुद को आजाद करने की कोशिश करने लगी। सामने ही एक चाकू रखा था जो कि उससे कुछ ही दूरी पे था। वो चाकू तक पहुंच नहीं पाई तो वो फिर से बर्तन साफ करने बैठ गई। शायद इस अंधी को पास पड़ी लकड़ियां दिख नहीं रही थी, लेकिन जब इसे वो लकड़ियां दिखी तो उस लकड़ी की मदद से इसने उस चाकू को उठाने की कोशिश की। लेकिन तभी किलर शिकार करके वापस आ रहा था, तो इसने तुरंत चाकू को उठाकर अपने पीछे छुपा लिया। बर्तन साफ करने के लिए किलर ने इनाम के तौर पर होप को खाने के लिए बैरिस दी। किलर उसके पास ही बैठा था पर होप उस पे हमला नहीं करती, लेकिन किलर तब तक देख ही लेता है कि चाकू वहां से गायब है। उसको पता चल जाता है कि चाकू होप ने अपने पास छुपा रखा है, तो वो चाकू लेने के लिए होप के पास आता है। होप उस पे हमला कर देती है जो कि बेकार साबित होता है। किलर ने उसे धमकी दी कि तेरा पैर ऐसी जगह से काटूंगा कि कभी चल नहीं पाएगी। उसके पैरों में से चैन निकाल कर किलर ने उसके गले में बांध दी। असल में किलर ये सब जानबूझकर कर रहा है होप को स्लेव बनाने के लिए। वो होप के मन से आजाद होने के ख्याल भी निकाल देना चाहता है ताकि होप कभी यहाँ से भागने का सोचे भी ना। इसके बाद वो होप को गार्डनिंग वाली बुक देता है और अपना गार्डन भी उसे सौंप देता है और कहता है कि अब से सब्जियां तू ही उगाएगी और अगर सब्जियां जरा सी भी खराब हुई तो सजा भी तुझे ही मिलेगी। फिर उसने खाना बनाने का काम भी होप को सौंप दिया। अभी तक होप को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पे क्यों है। किलर उसे जो करने के लिए बोलते जा रहा है वो बिना कुछ सोचे समझे वो सब करते जा रही है, और होप को ऐसा लगता है कि जब ये सब खत्म होगा तो किलर उसे यहाँ से जाने देगा। जब होप रात को सो रही थी तो किलर उसके पास ही बैठा उसे घूरे जा रहा था। उसके मन में क्या चल रहा है ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। अगले दिन होप गार्डन संभाल रही थी तो वो देखती है कि गार्डन में कुछ फूल उगाए हैं। उन फूलों को देखकर होप खुश हो जाती है। तभी वहां पर किलर आ जाता है जो कि उन फूलों को उखाड़कर होप को खाने के लिए कहता है। जब होप उन फूलों को नहीं खाती तो किलर उन्हें उखाड़ फेंकता है और कहता है कि ऐसी चीजें किस काम की जिन्हें हम खा ही ना पाए। फिर वो होप की चैन खोलकर उसे तालाब पर लेकर गया जहां होप को उसी के सामने नहाना पड़ा। यहां पर होप को समझ आया कि उसे क्या करना है, उसे किलर का विश्वास जीतना होगा। वापस जाकर होप ने खुद ही अपने ताले को लॉक किया और रात को किलर के करीब आई और उनके बीच जो होना था आखिरकार वो हो ही गया। सुबह होते ही होप ने उसके जेब से चाबी निकाली और उसी का चाकू निकाल कर उसी की गर्दन पे रख दिया, पर किसी की जान लेने की हिम्मत उसमें नहीं थी तो उसने भी किलर के साथ वही किया। उसका पैर ऐसी जगह से काटा जिससे कि वो कभी चल ना पाए, पर इसमें भी वो ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई। किलर की आंख खुल गई तो होप वहां से भागने लगी। जंगल में भागते भागते होप को एक बॉक्स मिला। उस बॉक्स में जेनिफर का ब्लैंकेट पड़ा था। वो वहीं पर बैठ के रोने लगी। तभी किलर वहां पर आ जाता है और सजा के तौर पर उसने होप की एक टांग ही तोड़ दी और वापस ले जाकर उसे बांध दिया। होप के पैर की हड्डी तक बाहर आ चुकी थी, लेकिन किलर ने उसका कोई भी इलाज नहीं किया। अगले दिन किलर कहीं जाने लगा और जाने से पहले उसने होप को कहा कि वो 7-8 दिन में वापस आएगा। होप किलर से भीख मांग रही थी कि वो उसे मार दे, तो किलर उसे कहता है कि ये काम भी तो खुद ही कर। किलर के जाने के बाद होप ने खुद ही अपना इलाज किया, अपने पैर की हड्डी को अंतर किया और अपने पैर को एक लकड़ी के साथ बांध कर सीधा किया। खुद ही आग जलाई और खाना बनाया और ऐसे ही उसने 7-8 दिन गुजार दिए। किलर वापस आ गया और अपने साथ वो लाया था एक लड़की को जिसने कंटिन्यू करने को हाँ कह दिया होगा। इसका नाम है जैसी। किलर होप के सामने ही जैसी के टांके लगा रहा था। होश आने पर जैसी चिल्लाने लगी और वो बस चिल्लाते जा रही थी, तो किलर का दिमाग खराब हो गया और उसने उसकी जुबान काट कर आग में फेंक दी। अब जैसी का भी चाकू वाला टेस्ट आया तो होप ने उसे समझाया कि रहने दे, इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। जैसी ने होप की बात मान ली और वो सजा से बच गई, पर जैसी को किसी की भी गुलामी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो उसने अपने मोजों में कुछ पत्थर भर लिए। और अगली सुबह जब किलर उसके पास आया तो उसने किलर के सर पर जोरदार वार किया। किलर की जेब से चाबी निकाल कर उसने खुद को आजाद किया और होप की चाबी उसकी तरफ फेंक कर वहां से भाग गई। किलर ने खुद को संभाला और जैसी के पीछे भागने लगा। माफ करने के मूड में तो वो था ही नहीं।
नहीं तो उसने चैसी को गोली मार दी और उसका गला घोट कर उसकी जान ले ली। इधर होप ने भी खुद को आजाद कर लिया था और आजाद होते ही वो सबसे पहले किलर के टेंट के अंदर गई। वहां से उसने जेनिफर का टैडी लिया और एक लोहे की रोड ली। जब वो टेंट से बाहर निकली तो किलर उसके सामने ही खड़ा था। अब होप के सबर का बांध टूट चुका था। उसने किलर की ऐसी की तैसी कट डाली। उसने लोहे की रोड से किलर का सर तब तक कुचला जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। मरने से पहले किलर ने उसे कहा कि उस तरफ मत जाना, उधर खतरा है। लेकिन जेनिफर का टैडी लेकर वो उसी तरफ गई जिस तरफ किलर ने उसे जाने से मना किया था। आगे उसे एक शेड मिला जिसके अंदर जेनिफर बंद थी। अपनी बेटी को जिंदा देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गई। लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी लेकिन दरवाजे के साथ एक ट्रैप लगा हुआ था। होप को इसका कोई भी आइडिया नहीं था और जैसे ही दरवाजा खुला एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के साथ बहुत सारी कीले होप की आंखों में घुस गई। अब तो वो जेनिफर को देख भी नहीं सकती तो इस जंगल से कैसे बाहर निकलेगी? इसका जवाब तो हमें नहीं मिल सकता क्योंकि ये मूवी यहीं पे खत्म हो गई।